ओके चलिए समझते हैं कि महाराष्ट्र में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसे हम कैसे भर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर हमें अपने घर का जो जमीन होता है उसका टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो वसई विरार वाले जो एरिया है उसमें घरों के लिए जो टैक्स पे करना रहता है मोस्टली लोग जा करके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस होता है वहां पर पे करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पीरियड में डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो हम लोग घर बैठे बैठे भी उस टैक्स को पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम लोग वेबसाइट के जरिए और अपने ऑनलाइन यानी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी इस टैक्स को पे कर सकते हैं। तो देखो, ऑनलाइन अगर हमें वेबसाइट के जरिए पे करना है वसई विरार का, तो उनका एक प्रॉपर साइट है, उस साइट पर हमें चले जाना है। जैसे साइट है vvcmc.in, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा उनके वसई विरार शहर महानगर पालिका के साइट पर पहुंच जाएंगे। अब वहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें कई सारे सेक्शन दिख जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स है, ऑनलाइन वाटर टैक्स है। तो हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, हमारा ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स वाला ये ब्लॉक ओपन करना है। और कभी कभी ये साइट काम नहीं करता है तो हमें और नीचे स्क्रॉल कर लेना है और नीचे जाकर के जो क्विक लिंक्स दिया हुआ है यहाँ पर भी दिया है कि पे योर प्रॉपर्टी टैक्स, इस पर जाकर के भी हम अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो पहले मैं समझाता हूँ कि ये जो साइट है इस पर जाएंगे तो हमें क्या क्या डिटेल फॉर्म डिटेल भरनी होगी अपने टैक्स के लिए, और उसके बाद मैं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी कैसे करते हैं उसको समझाऊंगा। तो चलिए मैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स इस टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें सारा का सारा चीज मराठी में लिखा हुआ है, जैसे कि माल भत्ता क्रमांक, माल का चुनाव। तो माल भत्ता क्रमांक बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कभी अपना घर पट्टी, जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसको घर पट्टी कहते हैं, वो ऑफिस में जाकर के भरा होगा तो वो लोग एक रिसीट देते हैं, वो रिसीट पर आपका माल भत्ता क्रमांक लिखा रहता है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मेरा ये पावती है और पावती पर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो ये वाला जो एरिया है ये क्या लिखा है, माल भत्ता क्रमांक, ठीक है, PD 13261144। तो ये जैसा है वैसा ही हमें यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है, कहाँ पे, माल भत्ता क्रमांक में, माल भत्ता क्रमांक में। तो देखो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद आप अपना जोन सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब किस एरिया के अंडर आता है, ये भी हमें इसी कचरा चीज जो पावती है इसी पर मिल जाएगा। तो हमारा एरिया जो आता है, जैसे कि ये मेरा बिलाल पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ जोन में क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सारे विरार, वसई गांव, नाला सुपारा, वो मेरा बिलाल पाड़ा, ये रहा बिलाल पाड़ा। और उसके बाद यहाँ से आप अपना वार्ड क्रमांक चूज कर लीजिए, जैसे वार्ड क्रमांक कहाँ मिल जाएगा, वो भी यही मिल जाएगा, हमारा वार्ड क्रमांक है 13, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ प्रभाग क्रमांक, यही हमारा वार्ड क्रमांक है 13। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ वार्ड क्रमांक 13। अब ये सारा का डिटेल पुट करने के बाद जैसे मैं शोधा पर यानी सर्च पर क्लिक करूंगा तो मुझे डिटेल दे देगा कि जैसे मालका के नाम सीता देवी शिव सागर वर्मा है, उसके बाद उनका सारा ये पता है, टांडा पाड़ा में आता है, रूम नंबर है इतना इतना। और उसके बाद नीचे हमें दिखाएगा कि कितना हमें पे करना है प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे एक साल का तो 1 वर्षा करीता यहाँ दिखा रहा है 3526 यानी 3526। लेकिन आप चाहे तो एडवांस में भी पे कर सकते हैं, अपने आगे के 5 साल के घर पट्टी को भी पे कर सकते हैं, वहां पर आपको लगभग 15% का छूट मिल जाता है, ठीक है, यानी कि आपको बेनिफिट मिल जाता है थोड़े 1 से 1.5 हजार रुपए का। तो अगर मैं 5 साल का पे करूंगा तो मुझे 8438 पे करना होगा। मेरा ये जो 3526 दिखा रहा है पैसा, ये एक्चुअली 2 साल का है, ठीक है। अगर मुझे इसके बारे में डिटेल देखना है तो मैं क्या करूंगा, बिल तफसील पर क्लिक करूंगा, यानी कि वो आपको पूरा डिटेल दिखाएगा कि अच्छा क्या क्या आपको टैक्स लगाया गया है जो मिला करके पूरा 3526 हुआ है। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, एक मित्र माल, माल मत कर, कर मतलब टैक्स होता है, ठीक है, फिर शिक्षा का होता है, वृक्ष कर होता है, अलग अलग तरीके से स्वच्छता कर होता है, वो सब मिला जुला करके यहाँ पर टोटल अगर हम देखेंगे तो 3526 रुपए हो रहा है, ठीक है। अब हमने अगर पिछला कोई भरा हुआ है उसको पता करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो एक तो है कि हम ये शो रिसीट पर करें। अगर शो रिसीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें डेट दिखाएगा, रिसीट डेट, कि हमने एक लास्ट जो भरा हुआ था 1309 रुपए 2019 का, ठीक है, और उसके बाद भरा हुआ था 583 रुपए। लेकिन और इसका हमें अगर ये पूरा PDF डाउनलोड करना है तब क्या करेंगे, तो यहाँ डाउनलोड रिसीट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, कब का,
ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, और ये डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके हम अपने रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका रिसीट नहीं जानना है, मुझे देखना है कि अच्छा आगे कैसे हम पे करना है। अब अगर मुझे एक साल का पे करना है तो मैं भरना करा पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर दिखाएगा कि भाई एक साल का आपको पे करना है या पांच साल का। पांच साल पर क्लिक करूंगा तो 8,438 और एक साल का पे करूंगा तो मुझे 3,526 रुपए पे करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और ये जो कैप्चा है कैप्चा को फिल करना है। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और कैप्चा को फिल करके मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने अपना सारा डिटेल पे करके मैंने भरना करा पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर पेमेंट मोड पर लेकर के आ गया। ठीक है, मैंने एक साल के लिए किया था तो पेमेंट मोड पर है कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या वॉलेट, गूगल पे, जिससे भी आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस वक्त में लोग यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी इंटर करूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वापस इंटर करूंगा और पे नाउ पर करूंगा तो ये पे हो जाएगा। ठीक है, पे हो जाएगा इन द सेंस मुझे रिक्वेस्ट आएगा और वहां से मुझे पे करना होगा, जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी यूपीआई आईडी डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद पेयर नेम, मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ अपना, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो आपकी यूपीआई आईडी से ले लेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर मैं इंटर कर देता हूँ, ईमेल आईडी भी चाहिए तो आपको कोई रेफरेंस ईमेल आईडी दे दीजिए जहां पर आपका बिल आ जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी, और इसके बाद जब मैं पे नाउ पर करूंगा तब मुझे क्या होगा, एक लिंक आएगा मेरे मोबाइल के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से, जैसे ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है। ठीक है, यहां पर मुझे अगर देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट आया हुआ है अमेजोन के ऊपर, जो मेरा यूपीआई आईडी था, यहां से मुझे पे करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर दिखाऊंगा, अगर मैं यहां पे करूंगा तो मेरा ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सीधा हम अपने फोन पे के जरिए कैसे पे कर सकते हैं वो भी प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर पे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। चलिए, मैंने इसको हटा दिया, मैंने पे नहीं किया, डिक्लाइन। ठीक है, मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ, डिक्लाइन रिक्वेस्ट। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके इसको पे कर सकते हैं। आपको सीधा चले जाना है आपके फोन पे पर, फोन पे को ओपन कर लीजिए, और जैसे मैंने फोन पे अपना ओपन कर लिया है, और यहाँ पर नीचे सेक्शन में आएंगे तो आपको जो रिचार्ज एंड बिल वाला सेक्शन है यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे और हमें प्रॉपर्टी टैक्स जो दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेस एंड टैक्सेस, और यहाँ पर है म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा वसई विरार, नीचे के साइड में वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना प्रॉपर्टी नंबर डालना है। प्रॉपर्टी नंबर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर कुछ नहीं, वही सेम आपका जो माल भत्ता क्रमांक है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मेरा है BD/BD13/2611/2611/44। ठीक है, और इसको मैं कंफर्म करता हूँ। जैसे कंफर्म करूंगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मैंने कंफर्म किया। ठीक है, शायद ये दिखाई नहीं दिया, मैं पे करता हूँ वापस से, एक बार लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं वापस आ गया यहाँ पर और मैंने ये प्रॉपर्टी नंबर जो मेरा था माल भत्ता क्रमांक वापस से यहाँ पर इंटर कर दिया, और इसको मैं वापस से कंफर्म करूंगा तो मुझे पूरा डिटेल सारा दे देगा कि कस्टमर का नाम क्या है, बिलर आईडी क्या है, जोन क्या है, वार्ड क्रमांक क्या है, एड्रेस क्या है और मुझे कितना पे करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3,526 रुपए मुझे पे करना है, तो मैं यहाँ से अगर मैं प्रोसीड कर सकता हूँ तो यहाँ से भी डायरेक्टली पे हो जाएगा। तो मैं करके देखता हूँ, मुझे उस साइट पर जाकर के, कभी कभी वो साइट काम नहीं करती है तो मैं डायरेक्टली यहाँ फोन पे से भी कर सकता हूँ, और जो रिसीट है वो मैं उस साइट से डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे करता हूँ और मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। और देखते हैं हमारा ये जो पेमेंट है 3,226 रुपए का वो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि योर टैक्स पेमेंट विल बी अपडेटेड विद इन 4 डेज। तो 3-4 दिन के अंदर अगर आपका जो ईमेल है वो ईमेल आ जाएगा, या देखते हैं कि यहाँ से हम लोग इसका अपना रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? वही साइट पर वापस जाना है, BVCMC पर, और सीधा चले जाना है ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पर। वापस ये सारी चीजें यहाँ पर पे भर देनी है। कौन कौन सी? जैसे कि हमारा चाहिए बिलाल पाड़ा, फिर BD मेरा माल भत्ता क्रमांक जो है उसको, और उसके बाद हमारा वार्ड क्रमांक, मैंने ये डाल दिया, सौदा कर दिया। और सौदा करने के बाद हमें अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें 1 साल का कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि हमने अभी भी पे कर दिया। अब देय रकम 0-0 दिखा रहा है, यानी हमें कुछ भी नहीं भरना है। अब यहाँ पर अगर मुझे अपना रिसीट डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डाउनलोड रिसीट पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2022-23 का रिसीट जनरेट हो चुका है, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो 2022-23 का रिसीट डाउनलोड कर लीजिए और इसको जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पर शो कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा रिसीट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने भरा था 3,526 रुपए और ये सारा का सारा रिसीट ओपन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं आसानी से।